हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, यहाँ पर आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग से पहले ही काफ़ी सारी टीमें अपने बहुत सारी चीज़ों में चेंज कर चुकी हैं, और इसी कड़ी में इस वीडियो में मैं आज आपको कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ी दो काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूँ जो कि इनके टीम मैनेजमेंट से यहाँ पर निकल कर सामने आई हैं। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक, और उसके साथ ही अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो सबसे पहली अपडेट केकेआर के लिए निकल कर आ रही है वो यहां पर जुड़ी हुई है टीम की नई जर्सी और लोगो से। अब यहां पर हमने इससे पहले देखा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी की टीम ने काफ़ी सस्पेंस बनाने के बाद अपने यहाँ पर ड्रेस में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया था, और उसके साथ ही उनका यहाँ पर नया लोगो भी सामने आ गया था। और ऐसा ही कुछ अब हमें यहाँ पर केकेआर के साथ होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि केकेआर अपनी जो यहाँ पर रीसेंट पोस्ट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उनमें उनकी जो ड्रेस है उसके ऊपर यहाँ पर उनके टाइटल स्पॉन्सर का नाम नहीं है। अब मैं आपको बता दूँ कि अभी तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के जितने भी सीजन खेले हैं उसमें आपने ध्यान से अगर देखा हो तो उनके सामने यहाँ पर नोकिया का लगा रहता था, क्योंकि उनका जो लोगो स्पॉन्सर है टाइटल स्पॉन्सर से वो उस यहां पर सारे राइट्स जो थे वो थे नोकिया के पास। लेकिन अभी केकेआर उस टाइटल स्पॉन्सर का यूज नहीं कर रही है, तो इससे तो यहां पर यही इशारा हमें नजर आ रहा है कि केकेआर की टीम नोकिया को यहां पर अपने टाइटल स्पॉन्सर से हटा चुकी है, और इसका कोई भी साइन नहीं है कि उन्होंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि केकेआर की ड्रेस में अब हमें यहां पर टाइटल स्पॉन्सर नोकिया की जगह कोई और नजर आने वाला है, जिसकी अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। और जैसे ही ये घोषणा होती है तो केकेआर के टाइटल स्पॉन्सर में आपको यहां पर चेंज होते हुए नजर आ जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं हमारी अपडेट नंबर 2 की, जो कि केकेआर के लिए यहां पर निकल कर आई है टॉम बेंटन को लेकर। अब गाइस, मैंने आपको चैनल के ऊपर बताया था कि किस तरह से टॉम बेंटन काफी कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं जितने भी लीग में वो जा रहे हैं, और उनकी इस फॉर्म को देखते हुए यहां पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने टॉम बेंटन को सजेस्ट किया था कि वो आईपीएल ना खेलें, और उसके साथ ही उन्होंने उनको बोला था कि वो इंग्लैंड की टेस्ट टीम में खेलें, क्योंकि जो इंग्लैंड की टेस्ट टीम है उसमें नंबर 6 की पोजीशन यहां पर अभी भी खाली है, और टॉम बेंटन में काफी ज्यादा टैलेंट है और वो यहाँ पर पोजीशन नंबर 6 के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं इंग्लैंड के लिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पर टॉम बेंटन ने साफ कर दिया था कि वो आईपीएल ही खेलना ज्यादा प्रेफर करने वाले हैं, और अगर टेस्ट मैच में उन्हें चांस मिलता है तो उसके बाद की बात देखी जाएगी। तो गाइज, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच की सीरीज होने वाली है, जो कि आईपीएल के इनिशियल मैचों के साथ यहाँ पर हमें क्लैश करते हुए नजर आ रही है। लेकिन उस टेस्ट टीम में यहाँ पर इंग्लैंड ने नंबर 6 पोजीशन के लिए टॉम बेंटन को कंसिडर नहीं किया है। इसका मतलब है कि इंग्लैंड ने यहाँ पर जो 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की उसमें यहां पर टॉम बेंटन का नाम नहीं है। और गाइज, इससे ये चीज यहां पर पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि टॉम बेंटन इंग्लैंड की टेस्ट टीम में नहीं होने वाले। इसका मतलब है कि वो पूरे आईपीएल में अवेलेबल रहेंगे, और हमें कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पूरे सीजन वो खेलते हुए नजर आने वाले, एक भी मैच के लिए वो यहां पर बाहर नहीं होने वाले केकेआर की टीम से। तो ये थी वो दो बड़ी अपडेट जो कि केकेआर के लिए आईपीएल 2020 से निकलकर सामने आई है। तो वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कर सकते हैं लाइक, इसके साथ ही आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।